हेलो एंड वार्म वेलकम टू टूसा वाला जेई गाइस। अगर तुमको फिजिक्स समझने में प्रॉब्लम होती है तो एक चीज़ ये समझ लेना, तुमको जो प्रॉब्लम है वो बेसिक मैथमेटिक्स ही हो सकती है। तो आज का ये जो वीडियो है वो बेसिक मैथमेटिक्स का पार्ट नंबर 2 है। पार्ट नंबर 1 में जैसे तुमको मालूम है कि मैंने डिफरेंसेस बताया था और उसको पूरा कवर किया था, तो आज जो हम कवर करने वाले हैं वो कवर करने वाले हैं तुम्हारा इंट्रीगेशन। तो इंट्रीगेशन की हर एक चीज़ तुमको मैं बेसिक से बेसिक बताऊंगा और तुमको सिर्फ उतना ही बताऊंगा जितना तुम्हारे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। अगर तुम क्लास 11th में हो या 12th में हो या फिर तुम IIT JEE का प्रिपरेशन कर रहे हो या फिर तुम नीट का प्रिपरेशन कर रहे हो, तो सभी एग्जाम्स में तुमको ये बेसिक मैथमेटिक्स फिजिक्स के लिए आना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर ये नहीं आता होगा तो तुमको फिजिक्स समझ में आने वाली बिल्कुल भी नहीं है। तो तुमने डिफरेंशिएशन का वीडियो नहीं देखा है तो तुम प्लेलिस्ट में जाकर डिफरेंशिएशन का वीडियो जरूर और जरूर देख लेना। तो बेसिक मैथमेटिक्स नेम से तुमको प्लेलिस्ट मिल जाएगी फॉर फिजिक्स, जिसमें तुम अच्छे से सारी चीज़ें कवर कर सकते हो। चलो अब हम स्टार्ट कर लेते हैं अपने इंट्रीगेशन को। तो देखो, सबसे पहले बात ये आती है कि इंट्रीगेशन को रिप्रेजेंट कैसे करते हैं। अगर मैं तुमसे बात करूँ कि इंट्रीगेशन को रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, तो देखो इंट्रीगेशन को रिप्रेजेंट करने का जो सिंबल होता है वो इस टाइप का होता है। अब देखो इसको तुम कैसे लिखते हो, तुम लिखते हो इंट्रीगेशन, इसको कहते हैं इंट्रीगेशन Fxdx। क्या कहते हैं? इंट्रीगेशन Fxdx। अब देखो एक चीज और मैं तुमको बताता हूं, तुम कभी कभी बुक में देखोगे इस तरीके से गोला लगा रहता है इंट्रीगेशन पे, और अगर वहां पे लिखा हुआ है जैसे E.ds तो इसका मतलब होता है क्लोज इंट्रीगल। क्या मतलब होता है? क्लोज इंट्रीगल। तो इसको देखो कहते हैं इंट्रीगेशन विद रिस्पेक्ट टू एक्स, और इसको हम कहते हैं क्लोज इंटीग्रल। तो देखो जब तुम इलेक्ट्रिसिटी में आओगे, तो तुम्हारा इलेक्ट्रिसिटी में ये बहुत बार फॉर्मूला यूज होता है। जब तुम इलेक्ट्रिसिटी पढ़ोगे तो तुम्हारा ये फॉर्मूला क्या है, बहुत बार तुम्हारा यूज होगा। इलेक्ट्रिसिटी एंड इलेक्ट्रोस्टैटिक जो तुम्हारा चैप्टर होता है ना, इसमें तुम्हारा बहुत बार ये यूज होगा। तो तुमको ये चीज ध्यान रखनी है, क्लोज इंटीग्रल E.ds। अब देखो यहां पर क्वेश्चन ये आता है कि इनका यूज क्या होगा। तो देखो इनका जो मेन यूज है वो दो चीजों में होता है। पहली चीज तुम्हारी होती है डेरिवेशन, अगर तुम बोर्ड एग्जाम के लिए पढ़ रहे हो तो डेरिवेशन में बहुत ज्यादा यूज है। अगर तुम IIT और नीट के लिए पढ़ रहे हो तो न्यूमेरिकल में इसका बहुत बड़ा एप्लीकेशन होता है, और देखो बोर्ड के लिए भी तुम्हारा जो न्यूमेरिकल्स है वो भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। तो 11th 12th में तुम हो तो यार तुम्हारा दोनों चीज़ें इंपॉर्टेंट हो जाएंगी, डेरिवेशन के लिए और न्यूमेरिकल के लिए। अगर तुम IIT JEE और नीट एग्जाम्स के लिए हो तो तुम्हारा क्या है, न्यूमेरिकल्स में इसका बहुत बड़ा रोल प्ले होगा। तो देखो एक चीज़ तुम ये समझ लेना, JEE मेन JEE एडवांस तुम्हारा तभी निकलेगा जब तुमको न्यूमेरिकल सॉल्व करना आता होगा। देखो न्यूमेरिकल्स नहीं आता तो तुम समझ लो कि तुम्हारा IIT JEE और तुम्हारा नीट का एग्जाम निकलना बहुत ही इम्पॉसिबल है। और अगर बोर्ड में भी तुमको अगर अच्छे नंबर लाने हैं तो भी तुम्हारा विदाउट फिजिक्स के न्यूमेरिकल्स के तुम्हारे अच्छे मार्क्स आ पाना बहुत ज़्यादा इम्पॉसिबल है। तो ये चीज़ तुमको समझना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो बेसिक मतलब तुमने समझा कि भाई इंटीग्रेशन का क्या मतलब होता है। अब मैं तुमसे बात करूंगा कि इसके फॉर्मूले वगैरह कैसे होते हैं, किस तरीके से तुमको समझना है। तो थोड़ा इसको हम लोग इरेज कर लेते हैं और उसके बाद तुम्हारे जो फॉर्मूले वगैरह हैं उसको देखते हैं। तो देखो जो फॉर्मूले तुमको मैंने डिफरेंशिएशन में बताए थे, अगर तुमने वीडियो देखा होगा तो उसी तरीके से सेम पैटर्न पर हम लोग इसमें फॉर्मूले की बात करेंगे। और अगर जिस बच्चे ने नहीं देखा डिफरेंशिएशन तो मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि जरूर देखें, क्योंकि उसके थ्रू अगर तुम इसको रिलेट करोगे तो तुम्हारा जो डिफरेंस है दोनों का वो तुमको क्लियर समझ में आएगा। अब देखो पहला जो तुमको मैं फॉर्मूला देना चाहूंगा वो देना चाहूंगा इंट्रीगेशन ऑफ एक्स पावर एन। इसका जो फॉर्मूला तुम्हारा होता है वो होता है एक्स पावर एन प्लस वन अपॉन में एन प्लस वन। तो फर्स्ट तुम्हारा फॉर्मूला है इंट्रीगेशन एक्स पावर एन, तो इसका आंसर होता है एक्स पावर एन प्लस वन अपॉन में एन प्लस वन। इसमें ध्यान देने की बात यह है कि इसमें एक
कॉन्स्टेंट सी लगाते हैं। क्या लगाते हैं? एक कॉन्स्टेंट सी लगाते हैं जिसको इंटीग्रेशन कॉन्स्टेंट कहते हैं। फिर उसके बाद दूसरा जो फॉर्मूला होता है, उसके बाद मैं तुम्हारा दूसरा फॉर्मूला बताता हूँ तुमको, ई पावर एक्स। अगर ई पावर एक्स का इंटीग्रेशन करना तो तुम्हारा होगा ई पावर एक्स प्लस सी। अगर तुमको इंटीग्रेशन लिखना है ए पावर एक्स का तो आंसर तुम्हारा होगा ए पावर एक्स डिवाइड में लॉग ए बेस ई। तो ये तुम्हारा इंटीग्रेशन का फॉर्मूला हो जाएगा। अब देखो, अगर तुमको कांस्टेंट टर्म का लिखना है, अगर तुमको कांस्टेंट टर्म का लिखना है तो देखो, तुमको मैं कांस्टेंट टर्म का यहीं पे बता देता हूँ। अगर हम मान लेते हैं तुमको इंटीग्रेशन लिखना है कांस्टेंट टर्म का, तो देखो तुम्हारा जो फॉर्मूला होता है वो समझना तुम्हारे लिए इंपॉर्टेंट है। वो होता है तुम्हारा कांस्टेंट टर्म इंटू एक्स प्लस सी। तो ध्यान रखना, कांस्टेंट टर्म का तुम्हारा फॉर्मूला होता है कांस्टेंट टर्म इंटू एक्स प्लस सी। एक चीज तुमको ये फोकस जरूर करना है, जब भी इंटीग्रेशन लिखते हो, जैसे तुमने लिखा इंटीग्रेशन एक्स पावर एन, तो साथ में तुम क्या है डीएक्स जरूर लिखते हो। तो इंटीग्रेशन एक्स पावर एन डीएक्स इक्वल एक्स पावर एन प्लस वन अपॉन एन प्लस वन प्लस सी। इंटीग्रेशन ई पावर एक्स डीएक्स इक्वल ई पावर एक्स प्लस सी। इंटीग्रेशन ए पावर एक्स डीएक्स इक्वल ए पावर एक्स अपॉन लॉग ए बेसी प्लस सी। इंटीग्रेशन ऑफ कॉन्स्टेंट टर्म डीएक्स इक्वल कॉन्स्टेंट टर्म इंटू एक्स प्लस सी। ये तुम्हारा इंटीग्रेशन का जो फॉर्मूला होता है वो आसानी से तुम्हारा हो जाता है। फिर इसके बाद देखो तुम्हारा नेक्स्ट फॉर्मूला, अगर मैं तुमसे बात करूं, अगर देखो सपोज करो तुम्हारा है इंटीग्रेशन ऑफ वन अपॉन एक्स डीएक्स, तो इसका जो फॉर्मूला तुम्हारा होता है वो होता है लॉग एक्स प्लस सी। इसको कई बार हम लोग एल एन एक्स प्लस सी भी बोल देते हैं। तो ये दोनों क्या है, करेक्ट है, कोई इसमें प्रॉब्लम की बात नहीं है। अगर देखो नेक्स्ट, अगर मैं तुमसे बात करूं इंटीग्रेशन ऑफ एक्स डीएक्स, तो देखो इसका तुमको फॉर्मूला लगाना होता है एक्स पावर एन वाला। एक्स पावर एन का फॉर्मूला लगाओ तो एन की जगह यहां पे क्या है वन है, तो हो जाएगा एक्स पावर टू डिवाइड टू प्लस सी। तो एक्स पावर वन प्लस वन अपॉन वन प्लस वन, तो एक्स पावर टू अपॉन टू हो जाएगा। फिर अगर मैं तुमसे बात करूं ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में अगर ले लेते हैं फॉर्मूला, तो इंटीग्रेशन साइन एक्स हो जाएगा माइनस कॉस एक्स प्लस सी। अगर मैं तुमसे नेक्स्ट फॉर्मूले की बात करूं इंटीग्रेशन कॉस एक्स डीएक्स, बेटा यहां पे डीएक्स जरूर लगाना, डीएक्स लगाना क्या है कई बार भूल जाते हैं, तो डीएक्स लगाना जरूरी है। इंटीग्रेशन कॉस एक्स का हो जाएगा साइन एक्स प्लस सी। तो ये तुम्हारे जो बेसिक फॉर्मूलेस हैं वो इंटीग्रेशन के हो चुके हैं, और इन्हीं फॉर्मूले के बेसिस पर तुम अपने न्यूमेरिकल्स को कर सकते हो काफ़ी इजीली। मैंने तुम्हारे लिए थ्री क्वेश्चंस भी यहाँ रखे हैं, इन तीनों क्वेश्चंस को सॉल्व भी करके देखेंगे कि भाई फॉर्मूले को कैसे लगाना है, कैसे इंप्लीमेंट करना है। तो ये चीज़ें तुमको एटलीस्ट जरूर और ज़रूर पता होना चाहिए। तो तुमसे मैं कहूँगा कि भाई तुम इन फॉर्मूलेस को एटलीस्ट नोट जरूर कर लो। अगर नोट नहीं करोगे, उसे पढ़ते जाओगे तो भाई तुमको प्रॉब्लम होगी, नहीं तो यार कुछ नहीं स्क्रीनशॉट ले लो अपने पास रख लो, लेकिन नोट जरूर कर लेना कॉपी में। अदरवाइज क्या है, फॉर्मूले तुम्हारे माइंड से क्या है उतर जाएंगे, कुछ देर याद रहेंगे फिर क्या भूल जाओगे। अब देखो इनका मेन चीज़ है एप्लीकेशन। देखो फॉर्मूले आ गए, सब कुछ आ गया, लेकिन एप्लीकेशन अगर नहीं आता है तो फिर उसका क्या है कोई ज़्यादा यूज नहीं है। देखो एप्लीकेशन करना तुम्हारे लिए इम्पोर्टेंट, तो एप्लीकेशन के लिए तुमको मैंने तीन एग्जाम्पल इधर बताए हुए हैं। अब देखो एक चीज़ तुमको मैं और इंडिकेट करना चाहूँगा, देखो इंटीग्रेशन भी तुम्हारा क्या है जो तुमको यूज करना होता है वो दो तरीके का करना होता है इंटीग्रेशन। एक होता है नॉर्मल इंटीग्रेशन जो तुम पढ़ रहे होते हो, और एक होता है तुम्हारा डेफिनेट इंटीग्रेशन, डेफिनेट इंटीग्रेशन। तुम सोच रहे हो सर इसमें क्या अंतर है, तो मैं तुमको कम शब्दों में बता देता हूँ, इधर की बात हटा के कम शब्दों में बताता हूँ। कम शब्दों में बात यह है, डेफिनेट का मतलब होता है लिमिट वाला, ऐसा इंटीग्रेशन जिसमें क्या है लिमिट मेंशन होती है, और दूसरा इंटीग्रेशन होता है जिसमें कोई भी लिमिट नहीं दी गई होती है। लिमिट का देखो क्या मतलब होता है जो समझना, जैसे तुम अगर इस क्वेश्चन को पढ़ो इंटीग्रेट
टू थ्री एक्स डी एक्स ये लिखा हुआ है। तो ये टू थ्री क्या है, लिमिट्स हैं, टू थ्री क्या है, लिमिट्स हैं। तो इंटीग्रेशन दो तरीके का है, एक लिमिट वाला, एक विदाउट लिमिट वाला। तो मान के चलो जो फिजिक्स में तुम्हारा यूज होगा वो मोस्टली टाइम लिमिट वाला यूज होगा, तुम्हारा नॉर्मल इंटीग्रेशन प्लस सी वाला क्या यूज नहीं होता है। तो लिमिट वाले में क्या करना होता है, लिमिट वाले में तुमको क्या लिमिट लगानी होती है, कैसे लगाना होता है वो अभी हम लोग क्या समझेंगे, कैसे तुमको क्या करना है। तो थोड़ा मैं क्या इनको इरेज कर देता हूँ इन सब चीज़ों को, और तुमको क्वेश्चंस के थ्रू क्या अच्छे से समझाता हूँ। तो फॉर्मूलेस को नोट कर लिया जिससे कि जब तुमको मैं फॉर्मूला अप्लाई करने के लिए बोलूँ तो तुम उसको क्या समझ सको। चलो इसको इरेज कर देते हैं। तो देखो इसको हम इरेज कर देते हैं, इधर वाला पार्ट जो फॉर्मूलेस वाला पार्ट है, और क्वेश्चन में आएंगे भाई क्वेश्चन कैसे करने हैं, क्योंकि नॉर्मली जो हमको मेन हमारा रिक्वायरमेंट है, जो हमको मेन नीड है वो है हमारे न्यूमेरिकल्स की। और डेरिवेशंस तो क्या बच्चे लर्न कर लेते हैं काफ़ी बच्चे, तो डेरिवेशन को समझ लो, समझ लोगे तो क्या डेरिवेशन समझा हुआ होगा तो भूलोगे नहीं, अदरवाइज समस्या जानते क्या आती है कि बच्चा याद कर लेता है फिर उसके बाद भूल जाता है, फिर वो कहता है कि सर फिजिक्स समझ में नहीं आ रही। फिजिक्स समझ में इसलिए नहीं आती बिकॉज तुमने उसको सही तरीके से पढ़ा नहीं है। मैं तुमको समझाता हूँ, अगर देखो मैं एक नॉर्मल क्वेश्चन ले लेता हूँ पहले, जो तुम्हारा एक नॉर्मल इंटीग्रेशन पर बेस्ड है, थोड़ा मैं इसको भी रेस कर देता हूँ जिससे कि तुम समझ सको। तुमको मैं सेम क्वेश्चन लिमिट के साथ और सेम क्वेश्चन विदाउट लिमिट तुमको मैं करके दिखाता हूँ जिससे तुम क्या समझ सको, सेम क्वेश्चन लिमिट के साथ सेम क्वेश्चन विदाउट लिमिट। देखो अगर मैं तुमसे कहता हूँ इंटीग्रेशन 3x² प्लस 2x + 3 इसका करना है तुमको इंटीग्रेशन, ये तुमको इंटीग्रेशन करना है, ठीक है, ये तुमको इंटीग्रेशन करना है, मैं तुमको ये दे दिया। अब देखो तुमको क्या करोगे, तुमको आंसर यहाँ लिखोगे, इसके बाद क्या करोगे, 3 की जगह तुम क्या 3 लिखोगे। अब x² की जगह क्या लिखोगे, x^(2+1)/(2+1) वही फॉर्मूला इंटीग्रेशन ऑफ x^(n)(dx)(x^(n+1)/(n+1) और लास्ट में सी, ये तुमको लगाना है। अब ये तुमने लिख दिया, फिर प्लस लगाओगे यहाँ पे, 2 की जगह 2 लिखोगे, फिर x की जगह क्या लिखोगे, x^ यहाँ 1 थी ना, तो 1 में क्या करोगे, 1+1/(1+1) और कांस्टेंट था ना, तो कांस्टेंट का होता है कांस्टेंट इनटू एक्स। अब इसको तुम सॉल्व करोगे 3, लास्ट में तुम प्लस सी क्या है और लगा दोगे, प्लस सी क्या कर दोगे और लगा दोगे, तो ये हो जाएगा 3x^(3)/(2x^(2)/(2x+c) सॉल्व करोगे तो ये तुम्हारा आएगा x³+x²+2x+c, ये तुम्हारा क्या है आंसर हो जाएगा, ये तुम्हारा क्या है नॉर्मल इंटीग्रेशन हो गया है जो तुमको करना होता है। अगर हम इसी क्वेश्चन को लिमिट में कन्वर्ट करें, तो वो कैसे होगा, देखो इसको तो पहले हम लोग इरेज कर देते हैं और फिर लिमिट वाला करके दिखाते हैं, तो ये तो तुम समझ गए कि करना कैसे है। अब इसी क्वेश्चन को मैं क्या करूँगा, लिमिट में कन्वर्ट करूँगा, लिमिट में कन्वर्ट करके देखो कैसे होगा। देखो अगर मैं यहाँ लिमिट लगा दूँ 0, यहाँ लिमिट लगा दूँ 1, मतलब इंटीग्रेशन 0 से 1 x^(3x²+2x+) इंटीग्रेशन 0 से 1 3x²+2x+2 dx इसका देखो कैसे करेंगे इंटीग्रेशन, तो रूल वही रहेगा, 0 से 1 था तो 0 से 1 लिखे रहोगे, 3 की जगह 3 लिखोगे, x² की जगह लिखोगे x^(2+1)/(2+1)/(2+1), फिर प्लस लगाओगे जो प्लस था प्लस यहाँ लगा दो, 2 की जगह 2 लिखोगे, x की जगह लिखोगे x^ यहाँ 1 थी तो 1+1/(1+1)/(2) लिखोगे, और 2 के साथ में क्या लिखोगे x लिखोगे, क्योंकि कांस्टेंट का इंटीग्रेशन होता है कांस्टेंट इनटू x। तो तुमने फॉर्मूला लगाया x^n का x^n प्लस वन अपॉन
एन प्लस वन, यहाँ पावर टू थी तो पावर में टू प्लस वन अपॉन टू प्लस वन, यहाँ पावर वन थी तो वन प्लस वन अपॉन वन प्लस वन हो गया, और यहाँ कॉन्स्टेंट था तो कॉन्स्टेंट इंटू एक्स हो गया पहले की तरह। अब बस ध्यान देने की बात यह कि यहाँ पे अब एक ब्रैकेट लगा देते हैं, एक ये स्क्वायर ब्रैकेट लगा देते हैं, और लिमिट क्या है राइट साइड में लिखते हैं, क्या लिखते हैं राइट साइड में, यहाँ जीरो लिखते हैं और यहाँ वन लिखते हैं, इतना चेंज है बस, बाकी फिर हम सॉल्व करेंगे। ये होगा थ्री एक्स क्यूब अपॉन थ्री, थ्री एक्स क्यूब अपॉन थ्री प्लस टू एक्स स्क्वायर अपॉन टू प्लस टू एक्स, और लिमिट जैसा था उसको लिमिट लगा दो जीरो से वन, इससे ये कट गया, टू से टू कट गया, थ्री से थ्री कट गया, तो तुम्हारा हो गया एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर प्लस टू एक्स और लिमिट जीरो से वन। अब देखो यहां तक तुम्हारा हो गया, अब यहां तक तो तुम कर लोगे, अब बात करते हैं लिमिट कैसे अप्लाई करेंगे। तो लिमिट का प्रोसेस होता है अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, अपर लिमिट क्या है वन है, तो अपर लिमिट पहले लिखो, अपर लिमिट लिखने का मतलब होता है कि जहां जहां एक्स है वहां वहां वन लिख दो, तो यहां लिखो पहले वन, वन क्यूब प्लस वन स्क्वायर प्लस टू इंटू वन, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, लोअर लिमिट ब्रैकेट लगा दिया, जीरो क्यूब मतलब जीरो, जीरो स्क्वायर का मतलब जीरो, प्लस टू इंटू जीरो मतलब जीरो। तो इसको जब तुम सॉल्व करोगे तो वन प्लस वन प्लस टू और ये माइनस जीरो, तो ये तुम्हारा आ जाएगा फोर, तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो फोर आ जाएगा। तो जो तुम्हारे न्यूमेरिकल्स में आंसर आते हैं वो न्यूमेरिकल वैल्यू में ही आते हैं, तो इस तरीके से तुम अपने डेफिनेट इंटीग्रल को कर सकते हो। तो तुम्हारा जो मेनली यूज होगा वो होगा कौन सा इंटीग्रल, वो तुम्हारा इंटीग्रेशन होगा लिमिट वाला। तो लिमिट वाला तुमने इंटीग्रेशन देखा कि कैसे तुमको करना होता है, अब ये तो तुम समझ गए हो कि ऐसे तुमको इंटीग्रेशन करना होता है। अगर कोई भी तुम्हारी प्रॉब्लम हो रही है तो नीचे कमेंट बॉक्स में तुम क्या पूछ सकते हो। अब इसके बाद हम क्या करेंगे, ये जो क्वेश्चंस हैं इन तीनों क्वेश्चंस को करेंगे भाई कैसे ये सॉल्व कर सकते हो, तो वन बाय इन क्वेश्चन को लेते हैं, इनका सोल्यूशन करते हैं। चलो स्टार्ट करते हैं, तो फिर से इसको एक बार हमको इरेज करना पड़ेगा, तो इरेज कर लेते हैं, बोर्ड गंदा गंदा हो गया है, इसको थोड़ा हम साफ कर लेते हैं अच्छे से। तो बेटा बस ध्यान एक ही चीज़ रखो कि फॉर्मूला अगर सही है और तुम्हारा मेथड सही है तो तुम्हारे आंसर तो आ जाएंगे, आंसर आने में तुमको कोई भी तकलीफ का सामना नहीं करना पड़ेगा, बस इम्पॉर्टेंट ये है कि सही तरीके से तुमको क्या उसको हैंडल करना पड़ेगा। अगर सही तरीके से क्वेश्चन को हैंडल करोगे तो आंसर तो आना बिल्कुल पक्का है। तो चलो अब अपने आ जाते हैं अपने क्वेश्चन नंबर वन पे। तो देखो क्वेश्चन नंबर वन पढ़ना स्टार्ट करो, देखो क्या है क्वेश्चन नंबर वन, क्वेश्चन नंबर वन है तुम्हारा इंटीग्रेट, लिमिट दी गई है टू से थ्री एक्स डी एक्स। देखो कैसे करेंगे, अगर हम आंसर नंबर वन करें तो तुमको दिया गया इंटीग्रेट टू से थ्री, क्या दिया गया टू से थ्री एक्स डी एक्स। अब देखो बहुत ही आसान है, ये तो बहुत ही आसान क्वेश्चन दे दिया है, तो देखो कुछ नहीं, इसको इक्वल लगाओ, x का इंटीग्रेशन तुमको पता है कि x की पावर क्या लिखोगे, यहाँ पे पावर 1 दी गई है ना, तो 1 प्लस 1 अपॉन 1 प्लस 1 और लिमिट क्या दी गई है तुमको 2 से 3, तो यहाँ 2 लिखो और यहाँ पर 3 लिखो, तो बहुत ही आसान है, x की पावर यहाँ 1 दी गई थी तो 1 की जगह यहाँ 1 प्लस 1 अपॉन 1 प्लस 1 कर दिया, वही फॉर्मूला इंटीग्रेशन x पावर n का फॉर्मूला क्या होता है, x पावर n प्लस वन अपॉन n प्लस वन, n की जगह क्या है तुम्हारा 1 दिया गया है, ठीक है। अब क्या करना है, x की पावर ये हो गया 2 डिवाइड में हो गया 2 और लिमिट थी 2 से 3, कॉन्स्टेंट टर्म को तुम बाहर ले लो, कॉन्स्टेंट टर्म तुम्हारा 1 बाई 2 इधर हो गया, इधर डिवाइड में 2 वन बाई 2 बाहर हो गया, एक्स स्क्वायर लिखो यहाँ पे और लिमिट लिख दो 2 एंड 3। अब इसकी अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट लगाओगे तो अपर लिमिट मतलब 3 दी गई है, तो x की जगह तुम क्या 3 लिखो, तो 3 का स्क्वायर फिर माइनस लगाओगे, फिर लोअर लिमिट
लगाओगे, लोअर लिमिट क्या है 2, तो x की जगह तुम 2 लिखोगे तो 2 स्क्वायर। तो ध्यान रखना है अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, अपर लिमिट का मतलब x की जगह 2 लिखो, x की जगह अपर लिमिट लिखो, अपर लिमिट थी 3, तो x की जगह तुम क्या लिखोगे 3, तो 3 की पावर 2 माइनस लगाओगे लोअर लिमिट, लोअर लिमिट क्या है 2, तो 2 की पावर 2। इसको अब आप सॉल्व कर लो, 1/2 अपनी जगह ये वाला, 3 का स्क्वायर होता है 9 और 2 का स्क्वायर होता है 4, 9 माइनस 4 होता है 5, तो ये तुम्हारा आ जाता है 1/2 × 5, तो ये तुम्हारा होता है 5/2, और ये तुम्हारा क्या है आंसर आ जाता है। तो बहुत ही आसान है, अगर करना चाहोगे बहुत ही स्टेप आसान है, तुम ईजिली क्या कर सकते हो, कोई तुमको प्रॉब्लम नहीं होगी। तो हमारा जो आंसर नंबर 1 वो तुमको क्लियर हो गया होगा। अब बात करेंगे अपने आंसर नंबर 2 की, चलो उस पर भी आ जाते हैं, देख लेते हैं भाई आंसर नंबर 2 कैसे होगा। अगर फॉर्मूले अगर आपने समझोगे ना तो डेफिनेटली बहुत अच्छे से समझ में आ रहा होगा, फॉर्मूले का बहुत इम्पॉर्टेंट रोल है। अगर फॉर्मूले याद नहीं होंगे तो फिर डिफिकल्ट लगेगा। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है तुम्हारा, इंटीग्रेट, लिमिट दी गई है v1 से v2 1/v dv, तो देखो कैसे करेंगे, इंटीग्रेट 1/v dv v1 से v2, तो तुमको पता है कि 1/x का इंटीग्रेशन होता है log x, क्या होता है log x, तो तुम क्या कर दोगे यहां लिख दोगे log v, यहां पर dv है x की जगह क्या है dv है और यहां x की जगह क्या है v है, तो ये dx था और ये x था, तो यहां तुम्हारा हो गया log v, ब्रैकेट लगा दोगे, लोअर लिमिट थी v1, अपर लिमिट थी v2, अब फिर से वही करोगे, अपर लिमिट v की जगह पहले लिखो v2, अपर लिमिट v2 माइनस लोअर लिमिट v1, तो log v2 माइनस log v1 हो गया, इसको तुम ले सकते हो log v2/v1, यहाँ हमने कौन सा फॉर्मूला लगाया, यहाँ हमने लगाया log m माइनस log n। तो अभी log का जो फॉर्मूलेस वगैरह है वो मैं तुमको पढ़ाऊँगा, अभी फ़िलहाल के लिए तुम क्या है इतना अभी समझ लो, log भी तुम्हारा क्या कई बार यूज होता है, तो यहाँ तुमने क्या log का यूज देखा, तो इस तरीके से ये तुम अपना आंसर क्या कर सकते हो, तो जो फाइनल आंसर तुम्हारा हो गया log v2/v1। तो ध्यान रखना लिमिट वाला क्वेश्चन था तो इसमें सी नहीं लगाना है, इंटीग्रेशन में सी तब लगता है जब तुम्हारा क्वेश्चन लिमिट वाला नहीं होता है, सी तब लगाओगे जब लिमिट वाला क्वेश्चन नहीं होगा, तो ध्यान रखना लिमिट वाला क्वेश्चन नहीं है तो सी लगाओगे और लिमिट वाला क्वेश्चन है तो सी नहीं लगाना है, क्योंकि लिमिट वाले क्वेश्चन में होता है डेफिनेट इंटीग्रल, डेफिनेट मतलब वो चीज़ फिक्स है, तो ये चीज़ तुम समझ गए होगे। अब बात करते हैं अपने आंसर नंबर 3 की, तो आंसर नंबर 3 को भी कवर कर लेते हैं। तो चलो पहले क्वेश्चन पढ़ लेते हैं क्या दिया गया है आपको, तो इसके बाद हम बात कर लेते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 3 की। तो देखो क्वेश्चन नंबर 3 तुमको दिया गया है, द एक्सेलरेशन ऑफ पार्टिकल इज 2 m/s², द पार्टिकल स्टार्ट फ्रॉम रेस्ट, व्हाट विल बी इट्स वेलोसिटी एट टाइम टी इक्वल 5 सेकंड। तो देखो क्वेश्चन जो तुमको दिया जाता है उसके अकॉर्डिंग देखो डेटा कैसे नोट करते हैं वो समझना पहले बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो देखो स्टार्टिंग से स्टार्ट करते हैं, द एक्सेलरेशन ऑफ पार्टिकल इज 2 m/s², तो क्या करना है तुमको a की वैल्यू लिख लेना है 2 m/s². इसके आगे कह रहा है द पार्टिकल स्टार्ट फ्रॉम रेस्ट, पार्टिकल रेस्ट से चलना स्टार्ट करता है। अगर देखो पार्टिकल तुम्हारा रेस्ट पर है और स्टार्ट करना है चलना, तो मतलब तुम्हारी जो वेलोसिटी होगी वो क्या होगी 0 होगी, क्योंकि रेस्ट से वो क्या स्टार्ट कर रहा है, तो मान लो कि तुम्हारी वेलोसिटी क्या है 0 है रेस्ट पे, ऑब्वियस बार भाई रेस्ट से स्टार्ट कर रहा है तो वेलोसिटी क्या होगी 0 होगी। अब इसके बाद वो देखो क्या कर रहा है, इसके बाद वो क्या कर रहा है तुमसे पूछ रहा है व्हाट विल बी इट्स वेलोसिटी एट टाइम टी इक्वल 5 सेकंड। तो तुमसे पूछ रहा है जब टाइम टी इक्वल 5 सेकंड हो जाता है तो वेलोसिटी क्या हो जाएगी, ये तुमसे पूछ रहा है। तो
तो मान लो कि वेलोसिटी क्या है, वी हो जाएगी। तो मान लो जो वेलोसिटी है वो वी हो जाएगी। जब तुम्हारा टाइम 5 सेकंड होगा तो वेलोसिटी क्या हो जाएगी, वी हो जाएगी। ये तो मान लो। अब तुमको ये भी मालूम है कि जब पार्टिकल रेस्ट पर होगा, जब पार्टिकल रेस्ट पे होगा तो उस समय जो टाइम होगा वो क्या होगा, उस समय टाइम तुम्हारा 0 सेकंड होगा। अब ये डेटा तुम्हारा क्या यहाँ तक नोट हो गया है। अब देखो कैसे इसको सॉल्व करेंगे। तुमको वेलोसिटी बतानी है कि भाई 5 सेकंड पर वेलोसिटी क्या होगी। तो कुछ नहीं, तुमको एक्सीलरेशन दिया, तुमको एक्सीलरेशन का फॉर्मूला लगा दो, ए इक्वल डी वी बाई डी टी। तो यहाँ से अगर तुम डी वी निकालोगे तो हो जाएगा ए डी टी क्रॉस मल्टीप्लाई, क्रॉस मल्टीप्लाई ए इक्वल डी वी बाई डी टी। डी वी निकालोगे तो ए डी टी हो जाएगा क्रॉस मल्टीप्लीकेशन के अकॉर्डिंग। अब क्या कर दो, दोनों साइड इंटीग्रेशन कर दो। तुमको पता है स्टार्टिंग में वेलोसिटी 0 थी, फाइनल में वेलोसिटी v हो गई। तो लिमिट लगाओगे यहाँ पे 0 से v और यहाँ लिखोगे dv इक्वल, एक्सीलरेशन तुमको दिया गया है 2, तो यहाँ पे 2 लिख दो, इंटीग्रेशन लगाओगे। इंटीग्रेशन की लिमिट देखो टाइम की क्या दी गई है, क्योंकि dt है तो t की लिमिट देंगे। तो t की लिमिट क्या है, स्टार्टिंग में टाइम 0 था, फाइनल में टाइम 5 सेकंड था। तो यहाँ 0 लिखोगे और यहाँ 5 लिखोगे। तो डी वी का इंटीग्रेशन होता है v, लिमिट लिख दो यहाँ पे 0 से v इक्वल लगा दो 2 dt। 2 dt का इंटीग्रेशन तुमको होता था कांस्टेंट इनटू टी। तुमको मैंने बताया कांस्टेंट का इंटीग्रेशन होता है कांस्टेंट इनटू x, जब x के रिस्पेक्ट में होता है, और जब dt के रिस्पेक्ट में है t के रिस्पेक्ट में तो होगा कांस्टेंट इनटू टी। तो 2 into t, और ये जो तुम्हारा लिमिट था 0 से 5, तो 0 से 5 लिख दो। अब क्या करना है, लिमिट लगाना है। क्या करना है, लिमिट लगाना है। तो देखो लिमिट लगा देते हैं, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। यहाँ देखो 0 से v था, तो अपर लिमिट v माइनस 0 इक्वल लगाओगे 2 अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट 5 माइनस 0। तो v इक्वल हो जाएगा 2 into 5 होगा 10 मीटर पर सेकंड। तो ये तुम्हारी जो वेलोसिटी है उसकी वैल्यू हो जाएगी। तो बहुत ही आसान है, बस तुमको अपने प्रोसेस के अकॉर्डिंग चलना है। देखो अगर क्वेश्चन दिखेगा तुमने डेटा को मैनेज नहीं कर पाए तो फिर आंसर नहीं आएगा। अगर डेटा मैनेज कर लिया तो आंसर तुम इजीली निकाल पाओगे। तो तुमको मैं फिर से एक बार बता देता हूँ, एक्सीलरेशन तुमको दिया गया था पार्टिकल का 2 मीटर पर सेकंड, तो तुमने नोट कर लिया। उसके बाद तुमसे क्या था, पार्टिकल स्टार्ट हो रहा है रेस्ट से स्टार्ट है, तो इसलिए हमने बोला वेलोसिटी 0 होगी क्योंकि रेस्ट पे था, और रेस्ट से स्टार्ट करा तो इसका टाइम भी 0 होगा। अब तुमसे पूछा था कि वेलोसिटी क्या हो जाएगी टाइम टी इक्वल 5 सेकंड पे, तो हमने मान लिया कि भाई वेलोसिटी हमको निकालना है 5 सेकंड पे, तो हमने मान लिया कि भाई 5 सेकंड वेलोसिटी क्या है, वी हो जाएगी। फिर इसके बाद हमने क्या किया, फॉर्मूला लगा दिया अपना डिफरेंशिएशन वाला, ए इक्वल होता है डी वी बाई डी टी, ये तुमको मैंने डिफरेंशिएशन में बताया था। क्रॉस मल्टीप्लाई किया तो डी वी की वैल्यू आ गई ए डी टी। फिर क्या किया हमने, डी वी और ए डी टी इन दोनों का क्या है, दोनों साइड हमने इंटीग्रेशन कर दिया। तो डी वी का इंटीग्रेशन लगाया, ए डी टी का इंटीग्रेशन लगाया, ए की वैल्यू 2 लिख दी, और यहाँ पे डी वी का इंटीग्रेशन लगा, तो इंटीग्रेशन तुमको लिमिट और लगाना पड़ता है। तो लिमिट क्या थी, स्टार्टिंग में वेलोसिटी 0, फाइनल में वेलोसिटी v, तो 0 से v, तो 0 से v लगा दिया। फिर उसी तरीके से dt यहाँ दिया गया, तो dt की लिमिट क्या होगी, स्टार्टिंग में टाइम 0 था, फाइनल में टाइम तुम्हारा 5 सेकंड था, तो 0 से 5। dv का इंटीग्रेशन v होता है, 2 dt का इंटीग्रेशन 2 into t होता है। लिमिट क्या थी 0 से v, तो यहाँ 0 से v लिख दिया राइट में। यहाँ लिमिट क्या थी 0 से 5, तो हमने 0 से 5 लिख दिया। फिर अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, तो अपर लिमिट v माइनस 0 इक्वल टू ब्रैकेट में क्या लिखा 5, अपर लिमिट 5 माइनस 0, तो ये 5 माइनस 0 5 होता, तो 2 into 5 हो गया। 2 into 5 को 10 कहते हैं, तो 10 मीटर पर सेकंड हो गया।
तो ओवरऑल तुम्हारा जो इंटीग्रेशन का पार्ट है वो कंप्लीट हो गया है, और इतने इंटीग्रेशन के बेसिस पर तुम अपना क्लास 11, 12, IIT, JEE, नीट तो अपने एग्जाम को क्रैक आसानी से कर सकते हो। तो ये तुम्हारा पार्ट टू कंप्लीट है, और अब इसके बाद हमारा पार्ट थ्री आएगा, उसमें बेसिक मैथमेटिक्स का अगला चीज कवर करने वाले हैं। तो चैनल को सब्सक्राइब करके रख लो, जिससे कि तुम्हारे सारे पॉइंट्स क्लियर हो जाए, जो तुम्हारे फिजिक्स में तुमको प्रॉब्लम करने वाले थे वो अब प्रॉब्लम तुमको पॉइंट नहीं करेंगे। और कोई भी तुम्हारा प्रॉब्लम है, कोई भी कंफ्यूजन, नीचे कमेंट बॉक्स में पूछो। आज की वीडियो हम लोग यहीं एंड करते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।